हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। ट्यूमर, एनी ग्रोथ या शरीर में कहीं भी जो गांठें हो जाती हैं, आज मैं उसके निवारण के लिए ज़बरदस्त कुछ दवाओं के बारे में बताऊंगा। यदि आप उसका उपयोग करते हैं, हमें यकीन है 99% लोगों में ज़बरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। शरीर में गांठें क्यों हो जाती हैं? देखिए, हमारा मेटाबॉलिज्म जो डाइजेस्टिव प्रणाली है, वो जब ठीक से नहीं होती है तो हमारे शरीर में कहीं भी फैट जमा हो जाता है और वह फैट धीरे धीरे गांठों का रूप ले लेता है। अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वह कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। जो ये गांठें होती हैं, इसको हम लिपोमा कहते हैं जनरल भाषा में, और यह अक्सर हमने देखा है कि 30 वर्ष के बाद ही यह ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। पेट, हाथ, कलाई, जननांगों में, पीठ पे, कहीं भी, किसी पेशेंट में तो हमने यहाँ तक देखा है वह 50-50, 60-60 गांठें पूरे शरीर में रहती हैं, जिसको बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। आज मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ, इसका उपयोग करें, लेकिन एक चूंकि दवाएं हैं तो किसी न किसी चिकित्सक की सहायता से ही आपको करना चाहिए। पहले क्या करें आप, शिला सिंदूर लगभग 2 ग्राम आपको लानी है। ये अच्छे सब मेडिकल स्टोर मिल जाएगा। दूसरा आपको लाना है ताम्र भस्म लगभग 1 ग्राम आप लेकर के आइए। मोती पिष्टी 4 ग्राम आपको लानी है। प्रवाल पिष्टी लगभग 10 ग्राम आप ले लीजिए। गिलोय शत 20 ग्राम यानी 20 ग्राम ले लीजिए। ये जितनी भी दवाएं हैं, समस्त दवाओं को किसी खरल में अच्छी तरीके से आप 15-20 मिनट तक खरल करें। करने के बाद 60 भागों में डिवाइड कर लीजिए और एक भाग सुबह शाम भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले जल से, शहद से या मलाई से आपको लेना है। दूसरी चीज क्या करें आप, कुछ आपको टैबलेट लानी है। पहली चीज लानी है काचनार गुगलू की 60 ग्राम ले आइए। दूसरी बटी आपको लानी है वृद्धि बाटिका लगभग 40 ग्राम ले आइए। तीसरी आपको लानी है आरोग्य वर्धनी। ये तीनों टैबलेट ला करके आप तीनों में से दो दो भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले लें, प्लस भोजन या नाश्ता के आधे घंटे के बाद, यानी पहले और बाद में लेना इन तीनों बटी में से जरूरी है। अगली चीज क्या करें आप, एलोवेरा जूस या रस खा सकते हैं। दूसरा गोधन अर्क, पतंजलि में सब चीज मिल जाएगी। गोधन अर्क 20-20 ml लेकर के सुबह शाम आपको खाली पेट लेनी है। ध्यान देने की बात यह है, चूंकि यह डाइजेस्टिव प्रणाली के ठीक से काम न करने की वजह से होता है, तो एक मैं आपको काढ़ा बता रहा हूँ, क्वाथ बता रहा हूँ, जिसको आप जरूर लें। सर्वकल्प क्वाथ लगभग 200 ग्राम ले लीजिए। कायाकल्प क्वाथ 100 ग्राम ले लीजिए। ये दोनों को मिलाकर रख लीजिए। 400 ग्राम पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच, यानी 5-10 ग्राम 400 ग्राम पानी में डाल करके इतना उबालें, 100 ग्राम जब बच जाता है भोजन या नाश्ता से आधा घंटा या 1 घंटा पहले ले लें। इसी तरह रात को, यानी दोनों टाइम भोजन या नाश्ता से 1 घंटा पहले आप बनाकर ले लिया करिए, देखिए जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा और ध्यान देनी चाहिए। योग 40-50 मिनट जरूर करें, प्राणायाम 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट, कपालभाति कम से कम 30-40 मिनट ये करिए। धूप में 1 घंटा जरूर बैठें, सिंपल साधारण भोजन का इस्तेमाल करिए, देखिए निश्चित रूप से आपको रिस्पांस मिलेगा। मान लो किसी कारणवश आप रायपुर ठीक से रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आप रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, हमसे मिल सकते हैं। डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल सकते हैं, निश्चित रूप से आपको रिस्पांस मिलेगा। और आप
किस टॉपिक पर किस रोग से संबंधित वीडियो चाहते हैं उसके बारे में यदि कमेंट्स करें या हमको बोलें तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू, नमस्कार।